प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में पता चला कैंसर है। हमारा पहला बच्चा, घर में खुशी का माहौल और उसमें ये न्यूज़। मेरे फैमिली में मैं इकलौता कमाने वाला बंदा हूँ। मेरे घर में मेरी मदर, मेरी वाइफ, एक लड़का और एक लड़की है। वैसे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक अचानक मुझे कुछ चक्कर से आने लगे। जब मैंने मेडिकल टेस्ट करवाया तो पता चला कि मुझे मुझे कैंसर है। सो मैं फुटबॉल खेल रहा था अपनी टीम के साथ, एंड आई गेस लास्ट ईयर जुलाई की बात होगी। हाँ, मतलब उसी बीच कभी, और जनवरी में स्टेट लेवल सिलेक्शन था, बट आई कोलैप्स्ड। एवरीवन थॉट एग्जर्शन हुआ होगा, इनफैक्ट मुझे भी लगा कि शायद डिहाइड्रेशन हो गया होगा, इससे फील्ड में गिर गया, बट कैंसर डिटेक्ट हुआ। आठवें महीने तक तो डॉक्टर्स ये भी नहीं बता पा रहे थे कि बच्चे को बचा भी पाएंगे या नहीं। फिर मुझे बताया गया कि सर्जरी करनी पड़ेगी, मास्टेक्टोमी कहते हैं उसको। डिलीवरी हुई, बच्चा बिल्कुल हेल्दी था, मतलब अभी भी है। बस एक दुख रहेगा, मैं उसको अपना दूध नहीं पिला पाई। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अभी अपन मिडिल क्लास लोगों क्या है ना, हॉस्पिटल का कि लंबा बिल आ जाए तो मिडिल क्लास सीधे गरीब बन जाते हैं। ये सोच सोच के कई दिन तक मुझे नींद नहीं आती थी कि मेरा कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा, इनका ध्यान कौन रखेगा। मैंने कभी भी अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा था, कभी भी। वो जब डॉक्टर से बात कर रहे थे ना, तो एक होता ना बड़ी डरी डरी सी आवाज, उसमें वो पूछ रहे थे कि मेरा बेटा बच तो जाएगा ना। I have never seen him so scared in his life. Never. मेरी फैमिली मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी ताकत है। बस ठान लिया, अब मुझे कुछ भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी, मुझे हार नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे टीम के जो कोच हैं, कोच सर हॉस्पिटल है, मुझसे मिलने, और उन्होंने को देखा और कुछ ऐसे बोले कि यार अभी तेरे बिना टीम अधूरी है यार। यू नो व्हाट, इन जनवरी आई प्लेड फॉर माय टीम एंड वी क्वालिफाइड फॉर नेशनल्स। यस, अब पर खुश हूं, मैं हूं उसके साथ आज और हर पल रहूंगी। मेरी हिम्मत है मेरा बच्चा। कैंसर तो उसके सामने बस एक छोटी सी लड़ाई थी। Their determination to win fight against cancer was their strongest armor. At AOI, we journey with our cancer patients.